फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 डेज चैलेंज का आज डे 5 है और इसमें हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो कल वाला टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, लाइट बहुत ज़्यादा आज जा रही है तो मुझे भी नहीं पता कितना वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा। जितना भी हो पाएगा मैं करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे मुझसे टारगेट्स देने की, जो भी पता चलना चाहिए ना कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे ही दे रही। और साथ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिस्ट्रैक्ट बताइए? अभी पढ़ने का टाइम चल रहा है, अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो जब एग्ज़ाम सिर पे आ जाएगा तब फिर टाइम नहीं बचेगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है ना। अभी टाइम है, मन लगा करके पढ़ लीजिए एक बार, अपने आप से 100% दे दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं तो यही करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 2010 और 2013 के पेपर देख लिए थे और अब हम 2014 का पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2014 का देख लेते हैं पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन था, घोड़े का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इजी है, इसमें आपको भी आ जाएगा। बाजी तुरंग शार्दुल है, तो बाजी है, तुरंग है और है भी घोड़े का पर्यायवाची है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल किसका पर्यायवाची है? अगर अभी आपने देखा होगा तो शेर का। देखिए, बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो या तो ऑप्शन में आए हुए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही सब रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर, तो ध्यान दीजिए। मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी और दुर्गा दोनों होता है और आयोग ने भी दोनों को माना है। मछली की तरह आंखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा था नाग का पर्यायवाची, तो नाग के पर्यायवाची कौन होते हैं? सर्प, अही और विषधर। पर दैत्य का पर्यायवाची पूछा था कौन नहीं है? दैत्य यानी कि राक्षस, तो राक्षस है। निशाचर को भी राक्षस कहते हैं, दानव को भी राक्षस कहते हैं, ये इजी है, ये हो जाएगा। अपने आप पता चला है कि भूसुर नहीं है। रूख का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो विटप प्रसून तड़का हेरम्ब, विटप रूख, रूख यानी कि वृक्ष होता है। और वृक्ष के पर्यायवाची और देख लेते हैं, रूख पेड़ द्रुम पादप विटप। द्रुम याद रखिएगा और रूख याद रखिएगा अगर नहीं याद है वृक्ष का, बाकी तो सब याद ही होगा। सिक्स क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मा का पर्यायवाची और इसमें देखिए कितने कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको अगर एक बार हम देख लेंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची है कौन से। आत्मभू स्वयंभू हिरण्यगर्भ चतुर्मुख चतुरानन, ये याद रखिएगा, चतुर्मुख और चतुरानन चार मुख वाले, आनन में भी मुखी होता है। लोकेश विधाता कमलासन, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है, कमलासन। हंसवाहन अंडज विरंची गिरिपति विधि, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कमलासन है यहाँ पर दिया हुआ है, चतुरानन और चतुर्मुख चार मुख वाले, ये किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची। तो ये तीनों क्या है? ब्रह्मा के पर्यायवाची है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्विष्णु जी का पर्यायवाची है चतुर्भुज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिए, फिर रिपीट हो गया। ऑप्शन है शलभ चंचरीक शिलीमुख मिलिंद, अगर पीछा भी आपने देखा है तो ये तीनों किसके हैं? भवरे के पर्यायवाची हैं, चंचरीक शिलीमुख मिलिंद, शलभ नहीं है। शलभ किसका पर्यायवाची है? पतिंगे का। देखिए, इंद्र का पर्यायवाची फिर आ गया, इतने में ही बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और इसमें आपको अगर ध्यान हो तो पुरंदर है, शक्र है इंद्र का पर्यायवाची, मधवा है लेकिन गणाधिप नहीं है, तो ये याद रखिएगा। पुरंदर का अर्थ होता है शत्रुओं के पुरों का, नगरों का नाश करने वाला। अब देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है? तो अभी देखिए एक ही पेपर में ब्रह्मा के दो दो पर्यायवाची आ गए, तो हिरण्यगर्भ किसका है? ब्रह्मा। फिर से एक बार मैं दिखा दे रही हूँ, चतुर्मुख चतुरानन और कमलासन तो है ही, साथ में हिरण्यगर्भ भी था, और इसी से फिर से क्वेश्चन फ्रेम हो गया, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब 2016 का पेपर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक, तो इसे बताना कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर सिंह पंचानन नाहर मृगरारी इसमें दिया हुआ है। और अगर शेर के पर्यायवाची जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो आपने देखा होगा सही से, तो याद होगा कि सिंह पंचानन और नाहर और मृगारी ये सब शेर के पर्यायवाची, तो यही शुद्ध है। इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सूर्य रवि दिनकर तरणी, इसमें से ये क्यों नहीं होगा? सब लग तो रहे हैं सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पर देखना ये जो शब्द है इसमें मात्रा जो लगी है, ये छोटी की मात्रा अगर होती तब हो जाता ये सही, लेकिन बड़ी की मात्रा लगी है ना, इस वजह से नहीं होगा। अग्नि पावक अनल, ये तो आग के पर्यायवाची तीन है लेकिन ये नहीं है। इसी तरह से महेश रमेश भूतेश और सतीश, इसमें भी मेल नहीं खा रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो प्रस्तर उपल पशम पाहन, अगर यहाँ पर देखें तो प्रस्तर उपल पाहन पाषाण अश्व और शिला, ये है पर्यायवाची,
ठीक है पत्थर के, तो इसमें से पशम नहीं है, अश्म होता है। यहाँ पूछा यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हमने बताया था आपको कि यमुना के पर्यायवाची कैसे बनते हैं, सूर्य के पर्यायवाची में जा लगा करके, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना, तो रवि, रवि सूर्य का पर्यायवाची है तो जा लगा हुआ है, रविजा तो ये भी होगा, तनुजा अभी देखते हैं, अर्कजा ये भी है यमुना का पर्यायवाची, सूर्यजा ये भी है, तनुजा नहीं है क्योंकि तनुजा तो पुत्री होता है, पुत्री का पर्यायवाची, लेकिन अगर यहाँ तरणी लगा होता तब होता ये यमुना का पर्यायवाची, तरणी तनुजा। अब शंकर जी का पर्यायवाची देख लेते हैं, तो ललाटाक्ष, गंगाधर, शशधर, त्रिलोचन, इसमें से आपको कौन सा नहीं लग रहा है, शशधर। बाकी तो ये सारे पर्यायवाची आपको याद होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव, पशुपति, उमा पार्वती को कहते हैं, तो शंकर पार्वती और पार्वती के पति शंकर, और गिरिजापति, ईश, महेश, नीलकंठ, विष पिया था इसलिए नीलकंठ, सर्वशंभु, स्मरारी, मदनारी, सर्वज्ञ, शीतकंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मतलब चंद्र को धारण करने वाले, इस्मरारी, यहाँ पर इस्मर किसका था, कामदेव का पर्यायवाची था, और काम के जो शत्रु वो शंकर, तो ये याद रखना है, इस्मरारी। मदन भी क्या है, काम का पर्यायवाची, तो मदन आरी। आम का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, तो अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ, फलों का राजा, अमृत फल, अति सौरभ मतलब बहुत रस वाला, रसाल, ये सब किसे हैं, आम के हैं, और आम आम्रीय तत्सम है, तो इसमें से देखिए अंबु नहीं होगा, अंबु किसका पर्यायवाची है आप लोग बताइएगा कमेंट में। कि यहाँ पूछा है कि विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो कमलेश, कमलापति, कमलाकांत है, ठीक है अभी मैं बताऊंगी, कमलासन नहीं है। यहाँ पर आपने जब ब्रह्मा का पर्यायवाची मैं बता रही थी आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था कमलासन, कमल है जिनका आसन, वो कौन है, मैंने आपको दिखा भी दिया फिर से कि आप उसको याद कर लें यहाँ से लिंक करते हुए। देखिए स्वर के पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन नहीं है इसका, तो हेम, हाटा, कलधौत, हिरण्य, इसमें से ये नहीं है क्योंकि जो इसका होता है वो हिरण्य होता है, ये देखिए मात्रा नहीं लगी होती है, तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी कंचन तो पता ही होगा कि स्वर्ण को बोलते हैं, कनक बोलते हैं, कनक कनक ते सौगुनी, कई बार सुना होगा, सोना, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस, जात रूप, ये सब किसके हैं, सोने के। समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उसमें धी लगा है, तो वो सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, जलाधि, जलधाम, जलाधिप, जलनिधि, इसमें से कौन नहीं है, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, देखिए जल के पर्यायवाची में धी लगा है ना, तो जलाधि है, जलधाम, जलनिधि इतने हैं, जलाधिप नहीं होता है, ठीक है। और सागर तो सबको पता है समुद्र को बोलते हैं, सिंधु भी समुद्र को बोलते हैं, उदधि, नदीश, नदियों का ईश्वर मतलब नदीश समुद्र है, वारिश, वारी किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं, नीर निधि, रत्नाकर, अर्णव, तोय निधि, पयोनिधि, पारावार, ये सब क्या है, समुद्र के पर्यायवाची। मैंने आपको बता दिया कि धी लगा होगा जल के पर्यायवाची में, वो सब क्या है, समुद्र के पर्यायवाची है, और बाकी पारावार, अर्णव, रत्नाकर, ये तीन नाम याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, निम्नगा, त्रिपथगा, कूलवती, कूलंकशा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो त्रिपथगा है ये नहीं होगा क्योंकि ये किसका है, गंगा का पर्यायवाची। ये पर्यायवाची कौन से हैं, निम्नगा, कूलंकशा, कूलवती, सरिता, नदिया, आपगा, लहरी, पयस्विनी, ये पूछता है बार बार, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, पयस्विनी किसका है, नदी का है, तटिनी, सिंधु गामिनी, सिंधु यानी कि सागर समुद्र, गामिनी सिंधु सागर की तरफ जाने वाली नदी होती है, तो सिंधु गामिनी, तरंगवती, तरंग उठती है ना नदियों में, तरंगवती, लहरी, ये भी देखिए तरंग से रिलेटेड है, तो नदी भी क्या है, तरंग से संबंधित है, नदियों में भी तरंग उठती है इसलिए ये बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए त्रिपथगा दिया हुआ था इसलिए मैंने गंगा का पर्यायवाची भी लिख लिया है। भागीरथी, सबको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा बनती है, तो ये तो होगी ही, और फिर मंदाकिनी भी इन्हीं की सहायक नदी है, तो ये भी गंगा से संबंधित है, और गंगा को देव नदी माना जाता है, पवित्र नदी माना जाता है, जो भी देव से संबंधित हो, जैसे आपगा नदी का है तो देव आपगा, ये हो जाएगा गंगा, देव नदी, सुरसरी, देवधुनी, नदीश्वरी, सुरसरिता, ये सब त्रिपथगा, जाह्नवी, ये सब के सब क्या है, गंगा के पर्यायवाची हैं। अब डे 6 का टारगेट देख लेते हैं,
23 अक्टूबर को क्या करना है, हिंदी में विलोम को पढ़ना है और घटना चक्र से लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, दोनों चीज़ एक साथ करनी है। और करंट अफेयर में आपको 21 से लेकर 30 पेजेस तक घटना सार के खत्म करने हैं। और आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। जितने लोगों ने भी मुझसे बोला था टारगेट के लिए, वो कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टारगेट आप कंप्लीट करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइट भी जा रही है और आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।